तो आज से हम इस चैनल पे एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है टेक अंडर वॉन्डर 500 भी हो सकता है 1000 भी। और इस वीडियो में हमारे पास कुछ ऐसे RGB लाइट प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, चाहे आप स्मार्टफोन से वीडियोस या फोटोज लेते हो या डिजिटल कैमरा से। और अभी जो आप इफेक्ट देख रहे हो, यही सेम इफेक्ट हम इन लाइट्स को यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। और ये सारी जो लाइट्स हैं ये 1000 रुपये के अंडर हैं। कोई लाइट जो यहाँ पे है वो 200 रुपये की है, कोई 500 की है और कोई 1000 के अंडर है। तो ट्राई करते हैं, मैं अनबॉक्स करता हूँ और आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये जो यहाँ पे लाइट्स हैं इनको आप कैसे सिनेमैटिक या RGB लाइट की तरह यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाली लाइट, इसका नाम है सनसेट लैम्प LED। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कुछ पूरा डिज़ाइन दिया हुआ है इसका, साइड में कुछ ऐसे पैटर्न्स भी दिखाए हुए हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो सर्कुलर शेप रहेगा जितना मैंने इसको अमेजोन पर देखा था। बाकी अनबॉक्स करते हैं, लेट्स सी अंदर क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ है रिमोट। तो ये रिमोट अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसमें सारे RGB कंट्रोल्स दिए हुए हैं, मोड्स हैं, ऑन ऑफ का बटन है, अलग अलग कलर्स के पैटर्न दिए हुए हैं, वो हम आगे देखेंगे कि एक्चुअली वो वर्क करता है नहीं करता। उसके बाद एक ये स्टैंड है, प्लास्टिक मटेरियल है, तो आई थिंक इसके अंदर ये लाइट रखने के काम आएगा। और नेक्स्ट ये है स्टैंड इसका, जिसके ऊपर आई एम अज्यूमिंग लाइट आएगी। तो इस तरीके से इसके ऊपर, ये बेस के ऊपर ये स्टैंड बैठ जाएगा कुछ इस तरीके से। इतना अच्छा फिट नहीं है बट आई थिंक स्टिल कुछ काम हो जाना चाहिए। फाइनली देखते हैं कि इसके अंदर लाइट कहाँ पे है। तो ये है लाइट, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ये अलग सा कुछ एक ग्लास दिया हुआ है जिसके थ्रू लाइट आएगी। और यहाँ पे ये ऑन एंड ऑफ का बटन है और USB पावर्ड है। तो अगर इसको हमें यूज़ करना है तो यहाँ तो हमारे पास PC से पावर होनी चाहिए इंडोर, या मैं कोई अडाप्टर लगा सकता हूँ या फिर एक पावर बैंक चाहिए होगा अगर हम इसको आउटडोर यूज़ कर रहे हैं। तो अब एक काम करते हैं, इसको मैं सेटअप करता हूँ और पावर ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मोड्स हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये लाइट रेडी है, ये सनसेट लैम्प है जो हमने पावर किया USB विद PC। तो आप पावर बैंक है आप उससे भी कर सकते हो, बट अभी हमने यहाँ से पावर लिया है, रिमोट है जो हम यूज़ करेंगे। तो एक काम करते हैं, जो ऑलरेडी लाइट जल रही है उसको एक बार हम ऑफ़ कर देते हैं, अब पूरा एक्चुअल जो रिजल्ट है वो आपको दिखेगा। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन पे है, एक बार ऑफ़ करता हूँ ये ऑन, तो आपको पता लग जाएगा इफेक्ट बेसिकली कैसा आ रहा है। अब इसमें कुछ मोड्स हैं रिमोट में, सबसे पहले अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट है रेड पे है, देन मैं ग्रीन में चेंज कर सकता हूँ तो एक ग्रीन का इफेक्ट आपको दिख जाएगा। देन ब्लू मोड है, ब्लू में अगर मैं जाता हूँ तो अगेन पूरा ब्लू लाइट पैटर्न बन रहा है। बट अगर आप ध्यान दोगे मेरे आसपास पूरा एक रिंग बन रहा है सर्कुलर शेप का, तो अगर मैं फ्रेम से हटता भी हूँ तो आप ये देखो पूरा ब्लू कलर का एक रिंग बन रहा है। सिमिलरली अगर मैं ग्रीन पे जाता हूँ, रेड पे जाता हूँ, ब्लू और ये वाइट। अब वाइट में बेसिकली ये प्रॉपर वाइट कलर नहीं है, इसमें हो क्या रहा है RGB तीनों जो LEDs हैं वो जल रही हैं और उस हिसाब से कुछ कलर का इफेक्ट आ रहा है। तो अगर फेस पे आपको कुछ ऐसा शूट करना है तो इस तरीके से कुछ लाइट आएगी। एंड इसमें और भी कई मोड्स हैं साइड में दिए गए हैं। तो अब फ्लैश में क्या है देखो, अलग अलग इस तरीके से बीच में चेंज होते रहेंगे। तो अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा लुक देना है जहाँ पर लाइट बार बार चेंज हो रही है, तो इस तरीके से ये लाइट कर सकती है। उसके बाद स्ट्रोब इफेक्ट है, स्ट्रोब है, उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट है दैट इज़ फेड। तो क्या है, धीरे धीरे कलर चेंज होंगे। तो पहले जो एकदम कट टू कट हो रहे थे, अब आप देखो बहुत स्मूथली कलर चेंज हो रहा है। और लास्ट है स्मूथ, वो आई थिंक एकदम ये एक्चुअल स्मूथ नहीं है बट ये वो कलर चेंज हो रहे हैं, बट ये भी इसमें कुछ मोड है। तो बेसिकली इसका यही यूज़ है अगर आप कुछ सिनेमैटिक वीडियोस बना रहे हो घर के अंदर, शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हो, डॉक्यूमेंट्रीज। तो ये लाइट काफ़ी सही है, आई थिंक ये मुझे 600 रुपए की पड़ी थी और उसमें आई हैव ऑल दीज ऑप्शंस। मैं कलर RGB में जा सकता हूँ और ये हल्का सा वाइट कलर है जो एक्चुअल वाइट नहीं है। तो यस, ये एक थोड़ा यूनिक चीज़ लगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट लाइट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं अमेजोन पे देख रहा था, मुझे ये लाइट दिखी और ये पेयर ऑफ टू लाइट्स हैं और बहुत चीप है, मतलब 400 रुपये का मुझे दो का पेयर पड़ा। तो ये दोनों सेम लाइट्स हैं अगर आप देखोगे। अब इसके ऊपर कुछ चीज़ें मैंशनड हैं कि ये RGB लाइट है, LED पैनल है। लेट्स सी, बहुत सिंपल सी पैकिंग है, इतना कुछ खास है नहीं जितना मुझे दिख रहा है। कि ये रिमोट है, सेम रिमोट है, आई थिंक जितने भी लाइट्स हम देखेंगे इस वीडियो में सबका सेम रिमोट आता है, दिस इज़ द स्टैंडर्ड। उसके बाद ये है RGB पैनल। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे अलग अलग LEDs आपको दिख रहे हैं, तो इन टोटल इसके ऊपर कितने LEDs हैं, आई थिंक 100 LED हैं जो RGB में डिवाइड हुए हैं। और यहाँ पे ये इसका स्टैंड है, तो बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है ना, 200 के हिसाब से आई थिंक ठीक है। थोड़ा मेटल फ्रेम दिया गया, ये स्टैंड भी है यहाँ पे। तो अब जो 200 रुपये की RGB LED लाइट हम देख रहे थे उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो मेन लाइट हमारी ऑन है, फिर भी आप देखो अगर मैं यहाँ पे लाइट को रख रहा हूँ स्टिल काफ़ी सही लाइट आ रही है। और अगर सामने के कैमरा में आपको इफेक्ट दिखेगा, मैं एक बार ब्लू पर स्विच करता हूँ, तो अगर मुझे वीडियो बनाते हुए एज अ सेकेंड लाइट भी चाहिए जो साइड से हल्का सा कलर दे रही है, वहाँ पर भी ये यूज़ हो सकती है। मतलब ये सोचो 200 रुपये की लाइट में हम RGB यूज़ कर सकते हैं, मुझे ऐसा कुछ इफेक्ट दिख रहा है। और अगर मैं इसको बंद भी कर देता हूँ
और आप देखो कितना सही इफेक्ट आ रहा है। अब ये रेड है, ग्रीन, ब्लू, और ये सब मैं रिमोट से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मुझे फिजिकली लाइट के पास जाके भी कुछ नहीं करना, सामने मेरे पैनल है, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। और वाइट मैं दिखाता हूँ आपको कितना स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर है इसका। ये देखो, अगर मैं इसको एज ए की लाइट यूज़ करना चाहता हूँ, थोड़ी हार्ड होगी, बट स्टिल इसको एज ए लाइट यूज़ किया जा सकता है, स्पेशली अगर आप प्रोडक्ट शॉट्स ले रहे हो, वहाँ पे काफ़ी इजीली काम आएगा। उसके बाद यहाँ पे इंटेंसिटी एडजस्ट हो सकती है, कुछ मोड्स हैं, जैसे कि ये फ्लैश मोड है। अब फ्लैश मोड में क्या होगा, इस तरीके से कलर चेंज होते रहेंगे। तो अगर मैं 4-5 लाइट्स लेके बैकग्राउंड में लगा दूँ, कुछ वीडियो शूट कर रहे हैं, कुछ भी हम यूट्यूब वीडियोज़ भी हैं, वहाँ पर भी काफ़ी कूल इफेक्ट ये दे सकता है। तो ये स्ट्रोब इफेक्ट है, ये देखो इस तरीके का इफेक्ट, कलर्स ब्लिंक कर रहा है, चेंज कर रहा है, कितना सही इफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक और इफेक्ट है जो स्मूथ है, तो स्मूथ में क्या होगा, धीरे धीरे कलर्स चेंज होते रहेंगे। बस इसमें मुझे एक चीज़ लगी, अभी जैसे कुछ कुछ मोड में जाके ना ये रिमोट से हैंग हो जाता है, तो वापस इसको मुझे रीसेट करना पड़ता है पावर सोर्स से। बट हाँ, जब आप प्राइस 200 रुपये है तो ये चीज़ें थोड़ा करना पड़ता है। और ये जो सारे मोड्स हैं, ये सेम जो हम 1000 रुपये की रिंग लाइट यहाँ पे देख रहे थे, ये वाली, इसमें भी जो मोड्स थे वही सेम चीज़ इसमें भी है। इट्स जस्ट दैट लाइट शेपिंग जो है ना, उसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे, ये थोड़ा फन वीडियो, इसको टेक्निकल नहीं बनाते। बट हाँ, इसके हिसाब से 200 रुपये के हिसाब से काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। अब लास्ट में बात करते हैं सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इस वीडियो का, जो 990 का मुझे पड़ा था, तो अंडर 1000 ही है ये भी। ये एक रिंग लाइट है, तो इस तरीके से आपको ये बॉक्स दिखेगा, यहाँ पे पूरा दिखाया हुआ है कि RGB लाइट है, RGB LED मेंशनड है। तो इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है। तो यही है कुछ इसका बॉक्स पैकिंग, सिंपल सा है, RGB लाइट है, साथ में एक रिमोट दिया गया है। तो इसका जो कंट्रोलर है वो इस तरीके से है, अलग से कुछ रिमोट नहीं दिया गया। तो यहाँ पे ऑन ऑफ मोड्स, RGB कलर, ये सारी ऑप्शन दी गई हैं। और ये रिंग लाइट का साइज़ है, आई थिंक इजीली बीच में हम मोबाइल यहाँ फिट कर सकते हैं। ये होल्डर भी दिया गया है, क्वालिटी इतना खास नहीं है, बट आई थिंक 1000 रुपी का है जो रिंग लाइट है उस हिसाब से फिर भी सही है, डिसेंट इनफ। नीचे मुझे ये बॉल हेड मिलता है, तो अगर मैं स्टैंड में इसको प्लेस करूँगा तो इस तरीके से मैं इसका जो एंगल है वो भी मूव कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है उसमें कहीं ना कहीं छोटा सा डिफेक्ट है। अब हुआ क्या है, ये स्टैंड और ये जो स्टिक है ये फिट बैठ नहीं रहा, तो इसी के कवर से कुछ पेपर काट के जुगाड़ बिठा रहे हैं कि एंगल सही बैठ जाए, सो दैट हम प्रैक्टिकल डेमो देख सकें। तो ये हमारी रिंग लाइट जो अभी आपको सेटअप दिख जाएगी, मैं आप फ़ोन पे रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेता हूँ, सो आपको एक आइडिया लगेगा कि भाई इससे जो इंटेंसिटी अब आ रही है फ़ोन के थ्रू जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उससे कैसा इफेक्ट आ रहा है। एक बार इसको मैं ऑफ करता हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली है रिमोट, तो यहाँ काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं। सबसे पहले ऑन एंड ऑफ़ का है, तो यहाँ से मैं इसका कंट्रोल कर सकता हूँ ऑन एंड ऑफ़। तो अभी अगर मैं ऑफ़ करूँ तो आपको फ़ोन में क्वालिटी का आउटपुट दिखेगा, कितना ज़्यादा नॉइस आ रहा है। और ऑन होते ही ये पूरा एक सर्कुलर लाइट दे रहा है, तो अगर आप रिफ्लेक्शन देखोगे चश्मे में, इसको उतार देता हूँ, तो कर है बेसिकली पूरा हर तरफ से लाइट थ्रो कर रहा है, तो फेस में जो ब्यूटी लुक है वो इससे काफ़ी बढ़िया आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे कई और ऑप्शंस दिए गए हैं, अप एंड डाउन का एक ऑप्शन है रिमोट में, तो यहाँ से मैं इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकता हूँ। अप पे अगर जाता हूँ अभी मैक्सिमम इंटेंसिटी है, अगर मैं डाउन जाता जाऊँगा तो ये अलग अलग लेवल्स हैं ऑफ इंटेंसिटी जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आई कैन गो एज डिम एज दिस, और इसको अप कर करके दिस इज़ द मैक्सिमम एक्सपोजर जो आइडियली मैं यूज़ करूँगा, बिकॉज मैक्सिमम लाइट जितना रहे उतना ज़्यादा बेटर वीडियोज़ आती हैं। तो इसके बाद इसके कुछ मोड्स देखते हैं। यहाँ पे एक मोड का बटन है जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा इस लाइट के बारे में। तो ये देखो, अभी तो वाइट पे है ना, अभी मैं मोड पे गया, ये इफेक्ट आ रहा है। तो अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हो, कोई बजट में अगर आप सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ भी इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाना है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। और बहुत मोड्स हैं, मैं जल्दी से आपको साइकिल करके दिखाता हूँ। ये नेक्स्ट मोड है, देख रहे हो आप कैसे धीरे धीरे लाइट चेंज हो रही है। अब यहाँ पे ये मुझे बहुत सही लगा, ये पूरा 360 डिग्री जो स्पेक्ट्रम है ना उसको कवर कर रहा है, और ये बहुत बढ़िया इफेक्ट देता है। और इसको हम अभी बात करते हैं वीडियो में नहीं, आप फोटोज़ में कुछ लाइट बेंडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इसको बैकड्रॉप में रख दो, काफ़ी बढ़िया सा लुक एंड फील देगा। तो मैं जल्दी से और मोड्स दिखाता हूँ। ये देखो, मैं प्रेस कर ही जा रहा हूँ और ये अलग अलग मोड्स यहाँ पे आते जाएंगे। ये रेड एंड ग्रीन का बहुत सही कॉम्बिनेशन है, दिस इज़ इन ब्लू, ये मल्टी कलर, तो आई थिंक इसमें मोर देन 20 मोड्स हैं। ये फ्लिकर वाला इफेक्ट भी है, तो अगर आपको कुछ ऐसा देना है कि लाइटनिंग हो रही है कुछ ऐसा, वो चीज़ भी इसमें है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, सबसे पहला है कलर जो बाय डिफ़ॉल्ट इसको वाइट पे लेके जाएगा। तो अगर मैं कलर प्रेस करता हूँ, ये देखो 3 मोड्स हैं, वाइट, फिर एक थोड़ा सा वॉर्म होगा, फिर थर्ड जो है वो एकदम येलोइश लाइट दे रहा है। तो अगर मुझे थोड़ा वॉर्म लाइट में कुछ वीडियो या फुटेज रिकॉर्ड करना है तो उस लाइट पे भी मैं शूट कर सकता हूँ। अगर आप इस कैमरा में देखोगे, अब ये देखो एकदम नॉर्मल वाइट है, थोड़ा सा वॉर्म हुआ,
ये एकदम येलो हो गया। तो ये भी मुझे बहुत सही चीज़ लगी। RGB के साथ साथ इसमें हम वॉर्म टेम्परेचर भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं RGB में जाता हूँ, रेड कलर है, ये एक ऑरेंजिश कलर है, देन रेड के टोन्स हैं, आई थिंक चार टोन्स हैं, फिर ग्रीन के अलग अलग टोन्स हैं, ये देखो ब्लू, बहुत सारे कलर्स हैं। आई थिंक इट्स मिक्स ऑफ मल्टीपल कलर्स, मोर देन 12 to 16 कलर्स इसमें हैं जिसमें मैं साइकिल थ्रू कर सकता हूँ, एंड दैट टू यूजिंग एज ए रिंग लाइट सोर्स। तो ये थे एक फन वीडियो जो हमने सोचा है आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, बट अगर आप कमेंट करके बताओगे आपको लगता है ऐसी वीडियोस और चाहिए जहाँ बजट में ऐसे यूजफुल इक्विपमेंट्स, ऐसी लाइट्स, ऐसे गियर्स और आगे जाके टेक्निकल भी कोई चीज़ हमें लगती है जो यूज़फुल है, आपके साथ हम शेयर कर देंगे। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा, एक्सेल शीट है, वहाँ पर आपको कुछ भी सजेशन है जो आप चाहते हो हम प्रोडक्ट टेस्ट करें वहाँ पर आप जा सकते हो, प्रोडक्ट का लिंक डाल दो, नाम डाल दो, कोई भी सजेशन है वो हम प्रोडक्ट हम यहाँ स्टूडियो में मंगाएंगे और उसको टेस्ट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस तरीके की वीडियोस हम आगे लाते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।